आपके साथ रेनु तिवारी। यह हमारा स्पेशल प्रोग्राम है रील पर रियल फीडबैक। आज बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट ये है कि तापसी पन्नू की फिल्म गेम ओवर आज रिलीज हो गई है। आइए जान लेते हैं फिल्म के क्या रिव्यूज हैं और फिल्म की क्या कहानी है। दिल्ली से सटा गुरुग्राम शहर, एक घर में अकेली लड़की, अंधेरी रात में उसका कत्ल हो जाता है। उसका सिर धड़ से अलग करके शरीर में आग लगा दी जाती है। ये घटना पूरे देश को झकझोर देती है। पुलिस जांच होती है लेकिन कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिलता। महज एक मिनट के सीन ने थिएटर में बैठे हर किसी की सांस रोक दी। शरीर थरथरा गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सपना यानी तापसी पन्नू की एंट्री होती है। फिल्म आगे बढ़ने लगती है। रोमांच और रहस्य से भरपूर इस पूरी फिल्म में ताना बाना जो है वो वीडियो गेम और टैटू पर बुना गया है, जिसमें क्राइम और हॉरर का तड़का लगाया गया है। बिना किसी आत्मा, भूत या चुड़ैल को दिखाए ये फिल्म इतनी डरावनी है कि कई जगह तो आंखें बंद कर लेने का मन करता है। फिल्म अंतिम समय तक दर्शक को बांध के रखती है। आइए जान लेते हैं फिल्म की क्या कहानी है। सपना और अपनी मेट के साथ रहती है। इसका परिवार काफी दूर रहता है। ये घर से अकेले एक घर में रहती है। कलाम्बा इसकी मेड है, एक माँ की तरह जो देखभाल करती है तापसी पन्नू की। सपना का किरदार तापसी पन्नू निभा रही है। सपना पेशे से वीडियो गेम डिजाइनर होती है लेकिन उसे खुद गेम की लत होती है। सपना एक दिन अपने हाथ में वीडियो गेम का एक टैटू बनवाती है। इसके बाद से उनकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। उसे अंधेरे से डर लगता है, टैटू से दर्द होता है, अजीब अजीब से ख्वाब और ख्याल आने लगते हैं। वह डॉक्टर के पास जाती है लेकिन राहत नहीं मिलती। एक दिन वो टैटू बनवाने वाली से मिलती है। उसके बाद एक ऐसा रहस्य का राज खुलता है जिसे सुनकर सपना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि जिस इंक से उसका टैटू बनाया गया उसमें अमुथा यानी उस लड़की का अस्थियां मिली होती है जिसका खून किया गया था। अमुथा वही लड़की है जिसका गुरुग्राम में कत्ल हुआ था। इस तरह फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है, रोमांच और रहस्य भी बढ़ता जाता है। फिल्म गेम ओवर के आखिरी में जो कई नाटकीय घटनाओं के बाद अमुथा का कत्ल करने वाले सीरियल किलर का सपना से सामना होता है, उसके बाद जो कुछ होता है वो दिल दहला देने वाला होता है। खैर, 2 घंटे 42 मिनट की इस फिल्म कब खत्म हो जाती है ये बिल्कुल पता नहीं चलता। आइए जान लेते हैं फिल्म का निर्देशन और फिल्म का अभिनय कैसा है। अश्विन सरवन यानी कि जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, गेम ओवर दर्शकों को पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक बांध के रखती है और कामयाब रही है ये डरावना बनाने में। इसके साथ ही तापसी पन्नू के शानदार अभिनय में इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। साउंड इफेक्ट और एडिटिंग भी गजब की है। फिल्म मूल रूप से तमिल में बनाई गई है लेकिन इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। तापसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी मल्टी स्टारर फिल्म को बनाने में हकदार नहीं है, बल्कि वो अपने दम पर फिल्म को चला सकती हैं। आइए जान लेते हैं क्यों देखें इस फिल्म को। बहुत दिनों बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जो थ्रिलर साथ हॉरर भी है। क्राइम बैकग्राउंड पर बुनी गई इस फिल्म को कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप तापसी पन्नू की एक्टिंग के अगर फैन हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।